नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे मार्केट में एक बार फिर से आप गिरावट होते हुए दिख रहे हैं। जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आगे कैसे रणनीति बनानी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कल के सेशन में एक लेवल शेयर करा था 19300 का, उसके भी नीचे बाजार फिसलता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कल भी मैंने आपसे कहा था हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन हो रहा है, जो शोल्डर वाला लेवल है उसके नीचे निकल रहा है बाजार। और यहां से गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है इसके लिए मैंने एक छोटा लेवल आपके साथ शेयर करा था कि भैया मिनिमम 200 पॉइंट्स तो लेके चलो, लेकिन यहां पे क्या करें क्या ना करें, क्या यहीं से डायरेक्ट 200 पॉइंट्स गिर जाएगा। इस सारी चीजों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, ये सब हो क्यों रहा है, एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 2-3 महीने आपने कंटिन्यू मार्केट्स में तेजी देखी, 16,000 से 20,000 तक का मूव देखा। 20,000 अपने आप में आप सभी को पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, राउंड फिगर हो जाता है। वहां पे पहुंचने से पहले आप 6 पॉइंट से पहले ही रिवर्स हो गए। रिवर्सल से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स नीचे खड़ा है इस समय निफ्टी आपके लिए। ऊपर से टॉप से काउंट करेंगे तो 700 पॉइंट्स कोई बड़ी बात नहीं होती, 3.5% होता है। लेकिन मार्केट वाले जो इन्वेस्टर्स, छोटे ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर, BTST करने वाले, उनके लिए बाजार हो गया टॉप बना गया, उनके लिए बाजार में गिरावट शुरू हो गई है। एक्चुअल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो समझने की कोशिश करिए। देखिए आपके लिए मैंने हमेशा कहा है कि शॉर्ट टर्म में खबरों में रिएक्शन आता है और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल्स के हिसाब से बाजार चलता है। शॉर्ट टर्म में अभी आपके लिए एक बड़ा झटका आया है जो नोटिस नहीं हुआ, वो था इन्फ्लेशन का डाटा। आपकी उम्मीद थी भैया 6.5% की, आ रहा है 7.5% पे। अभी जो RBI की MPC की मीटिंग थी 10 अगस्त को, जिसका आउटकम आया था, वहां पे आपने देखा Q2 के इन्फ्लेशन का डाटा जो प्रोजेक्शन था 5.2% पे था, बढ़ाकर 6.2 कर दिया। और अभी एक अपडेट आई है कि 6.5% तक जाएगा, जो कि ये डाटा आपने देखा ना अभी जुलाई महीने का 7.5% का, ये हिला के रख देगा। और मैंने आपके साथ 10 तारीख को ही कहा था कि ये जो इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है ना, ये आपके अभी ये जो बढ़ाके 6.2% करा है इसके भी ऊपर निकलेगा एवरेज करके, क्योंकि आपने जून में बड़ा डाटा देखा, आपने जुलाई में तो बहुत बड़ा देख लिया और अगस्त में भी ऐसी कोई खास महंगाई रुकती दिख नहीं रही है, बट डेफिनेटली जुलाई से कमजोर होते हुए दिखेगी, क्योंकि सब्जियां जो प्रॉब्लम का विषय बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा ठंडी पड़ रही है। तो आपके लिए जो 14-15 को अगस्त का इन्फ्लेशन का डाटा आएगा ना, वो थोड़ा ठंडा पड़ेगा और वहां से मार्केट आपके लिए रिबाउंड करेगा। देखिए मार्केट में बिकवाली और खरीदारी ट्रेडर्स अपने हिसाब से करते रहेंगे, डाटा देखते रहेंगे, चलता रहेगा, हर वीक एक एक्सपायरी आएगी, लेकिन एज एन इन्वेस्टर क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। एज एन इन्वेस्टर आपको बने रहना है, एज एन इन्वेस्टर आप एक हफ्ते एक महीने के लिए निवेश नहीं करते। अगर मैं पिछले 5 महीने की सीरीज देखूं तो मेरे को एक चीज क्लियरली दिख रही है, अगर सीरीज छोड़ दी जाए बाकी सारे सीरीज में मार्केट ने आउट परफॉर्म करा है, तो मेरे को एक सीरीज से इतना नहीं डर होना चाहिए कि मैं सब बेच लूं। लेकिन मार्केट टेक्निकल बेसिस पे जो चार्ट पैटर्न बना रहा है वो काफी खराब बना रहा है। यहां से एक आध बाउंस बैक रिवर्सल अगर 19400 तक आ रहा है तो मेरे को लगता है अब वहां आपको ट्रेडर्स को, BTST करने वालों को पोजीशन हल्की करनी है, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न अगर ये 19300 के नीचे क्लोजिंग आ गई ना, आज रिकवरी नहीं आई और क्लोजिंग 19300 के नीचे आई, तो फिर ये 19100 और फिर उसके नीचे भी जा सकता है, ये आपको क्लियर कट रखना है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको कुछ नहीं करना, बैठे रहना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखिए अभी तक मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक हरियाली चल रही है, तो वहां ओवर बुलिश ना हो, प्रॉफिट बुक करें, ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं। क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि मार्केट तो गिर रहा है लेकिन हमारे शेयर नहीं गिर रहे, मिड कैप और स्मॉल कैप एक साथ बड़ा टूट जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा अभी सावधान रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो तेजी बनी हुई है उसके पीछे फंड फ्लो है, जो म्यूचुअल फंड है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में कंटिन्यू पैसा लगा रहा है, आप और हम जैसे लोग म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे तेजी बनी हुई है अभी तक। लेकिन ये तेजी रुकी तो फिर बड़ी कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। निफ्टी की बात की जाए तो 82 पॉइंट्स नीचे है, सेंसेक्स 270 पॉइंट्स नीचे है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी मिड कैप लगभग 16 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है, और 16 पॉइंट्स ऊपर दिख रहा है आपको, फ्लैट है, और स्मॉल कैप में 0.2% की गिरावट है। एडवांस डिक्लाइन शेयर्स 987 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 860 शेयर्स नेगेटिव है, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियो कह सकते हैं। कॉमकोर्ट बायोटेक की लिस्टिंग है, जिसकी लिस्टिंग दमदार होने की उम्मीद है, तो वो अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी 9:43 का समय हो रहा है, 9:45 पे एग्जैक्टली यहां पे अपडेट आ जाएगा और 10 बजे लिस्टिंग हो जाएगी। निफ्टी PSU की बात की जाए तो आज बाजार को लीड कर रहा है और गिरावट को लीड IT सेक्टर कर रहा है। निफ्टी में 42 शेयर्स नेगेटिव है और 8 शेयर पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी को लीड फार्मा कर रहा है डॉक्टर रेड्डी सिप्ला के रूप में, एंड नेगेटिविटी को लीड कोल इंडिया, TCS, विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, SBI लाइफ, रिलायंस, ये करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे खरीदें या बेचें फाइनल डिस्कशन, इन्वेस्टर बने रहे, ना खरीदना ना बेचना, थोड़ा और गिरेगा तो एवरेज करना है क्वालिटी स्टॉक्स को। मैंने कल भी आपके साथ शेयर करे थे
रिलायंस हो गया, एशियन पेंट हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये ब्रिटेनिया हो गया, कुछ क्वालिटी स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक जो आपको टेंशन फ्री रखते हैं उन्हें आप हमेशा बाय ऑन डिप करिए। और यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की राय भी दूंगा, बाकी मार्केट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है और बहुत ही शानदार है। बस ये इन्फ्लेशन का डाटा 2-3 महीने और चलेगा, उसके बाद फिर आपके लिए पॉजिटिविटी दिखेगी और आने वाले समय में रेट कट भी आने वाले हैं आपके लिए, तो 2-3 महीने और बिता लो। वैसे भी मार्केट अभी भी हाई पे है मेरे लिए, 2-3 महीने बाद और बुलिशनेस आपको देखने को मिलेगी, ये आप श्योर रह सकते हैं। एक ही बड़ा इवेंट है, वो है अगले साल इलेक्शन, उससे पहले कोई बड़ा इवेंट नहीं है। इन्फ्लेशन मुझे लगता है नॉर्मल हो जाएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी अपडेटेड वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।